अजरबैजान और आर्मेनिया युद्ध विराम के लिए सहमत हो गए हैं। नागोर्नो काराबाग पर दोनों देशों के बीच युद्ध पिछले 13 दिनों से चल रहा है। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच युद्ध 27 सितंबर से शुरू हुआ था। इस युद्ध में तुर्की और पाकिस्तान ने अजरबैजान का खुलकर समर्थन किया था। दूसरी ओर ईरान और फ्रांस जैसे देशों ने आर्मेनिया का खुलकर समर्थन किया है। इस बीच सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि भारत इस युद्ध में किसके साथ है और इस युद्ध से भारत को क्या नुकसान हो सकता है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम का आह्वान किया था और कहा था कि इस मुद्दे को बातचीत के जरिए हल किया जाना चाहिए। युद्ध इसका हल नहीं है। भारत के दोनों देशों के साथ गहरे संबंध है। अजरबैजान में 1300 भारतीय और आर्मेनिया में 3000 भारतीय रह रहे हैं। हाल के दिनों में आर्मेनिया और भारत के बीच संबंध बेहतर रहे हैं। 1991 से आर्मेनिया के प्रधानमंत्री 3 बार भारत का दौरा कर चुके हैं। पिछली बार आर्मेनिया के प्रधानमंत्री ने भारत का दौरा 2017 में किया था। दूसरी ओर अजरबैजान कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ है। इसके अलावा अजरबैजान और तुर्की के बीच गहरे संबंध हैं और इन दिनों कश्मीर मुद्दे पर तुर्की के साथ भारत के संबंधों में कुछ करवाहट आ गई है। इस युद्ध में तुर्की अजरबैजान का खुलकर समर्थन कर रहा है। दूसरी ओर पाकिस्तान ने भी अजरबैजान का खुलकर समर्थन किया है। दूसरी ओर पाकिस्तान ने अभी तक आर्मेनिया को स्वीकारा नहीं है और दोनों के बीच कोई राजनयिक संबंध नहीं है। तुर्की और पाकिस्तान ने इस युद्ध में अजरबैजान का खुलकर समर्थन किया है, इस पर भारत ने अभी तक अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। ना ही भारत ने ईरान और फ्रांस के रवैये के बारे में कुछ कहा है जिसने आर्मेनिया का समर्थन किया है। भारत इस युद्ध में तटस्थ है और इसका कारण यह है कि भारत के दोनों देशों के साथ गहरे व्यापारिक और राजनयिक संबंध हैं। अजरबैजान की पाकिस्तान और तुर्की से निकटता के बावजूद अजरबैजान के साथ भारत के संबंध अच्छे हैं और भारत ने आर्मेनिया का समर्थन नहीं किया है। अजरबैजान और आर्मेनिया दोनों सोवियत संघ का हिस्सा थे। 1991 में दोनों देश स्वतंत्र हो गए। अजरबैजान में 97% मुस्लिम हैं। अजरबैजान एक लोकतांत्रिक देश है, राज्य का कोई धर्म नहीं है। दूसरी ओर आर्मेनिया को एक धार्मिक देश के रूप में मान्यता प्राप्त है और इसका संविधान ईसाई धर्म को आधिकारिक धर्म घोषित करता है। शुरू से ही दोनों देशों के बीच नागोर्नो काराबाग पर युद्ध होता रहा है और हमेशा झगड़े होते रहे हैं। नागोर्नो काराबाग 4500 किलोमीटर का पहाड़ी क्षेत्र है। ऐतिहासिक रूप से यह अजरबैजान का क्षेत्र है। संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि यह अजरबैजान का है, लेकिन आर्मेनिया ने 1991 में इस पर कब्जा कर लिया था, जो हमेशा एक विवादास्पद मुद्दा रहा है। 27 सितंबर रविवार को आर्मेनिया ने अजरबैजान के एक अवसाई क्षेत्र पर हमला किया, जिसके बाद अजरबैजान ने यह कहते हुए जवाबी कार्रवाई की कि हम अब इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और नागोर्नो काराबाग को आजाद करना जारी रखेंगे। यह युद्ध 13 दिनों से लगातार चल रहा है, जिसके बाद दोनों देश बातचीत के लिए तैयार हैं। इस युद्ध में अजरबैजान की जीत हुई है, जबकि आर्मेनिया की हार हुई है। अब तक की रिपोर्ट के अनुसार अजरबैजान ने लगभग 30 गांवों को आजाद कर दिया है और वहां अजरबैजान का झंडा फहराया है और जिब्राइल के एक जिले को भी वापस ले लिया है। आर्मेनिया सेनाएं अग्रिम पंक्ति में नहीं रह सकती थी, इसलिए उसे अपने उपकरण छोड़ देने पड़े। इस युद्ध में लगभग 400 लोग मारे गए हैं। आर्मेनिया के अनुसार उसके 26 सैनिक मारे गए हैं और 200 लोग घायल हुए हैं। अजरबैजान का कहना है कि इस लड़ाई में हमारे 25 नागरिक मारे गए हैं और कई अन्य घायल हुए हैं। अजरबैजान ने सैनिकों की मौत के बारे में कोई जानकारी साझा नहीं की है। इस युद्ध से हजारों लोग बेघर हुए हैं। आर्मेनिया और विश्व शक्तियों के बाद अजरबैजान वार्ता के लिए सहमत हुआ है। उसके बाद रूसी राजधानी मॉस्को में दोनों देशों के बीच 10 घंटे की वार्ता हुई। दोनों देश संघर्ष विराम पर सहमत हुए हैं। अजरबैजान का कहना है कि यह आखिरी मौका है आर्मेनिया को चुपचाप नागोर्नो काराबाग छोड़ देना चाहिए। अब यदि
उसने कोई चाल चली तो हम इस भूमि को आर्मेनियाई सेना के लिए कब्रिस्तान बना देंगे और हमें अपनी जमीन वैसे भी मिल जाएगी। रूस के विदेश मंत्री ने कहा है कि उन्हें 25 साल पुराने युद्ध के समाधान की उम्मीद है और इसका हल देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मिलर टाइम्स।